Bismillahirrahmanirrahim. Sadrai, God. सड़क पे कर अंदर गेट नहीं, गेट गेट से बाहर आने दीजिए, गेट आने दीजिए बाहर। आप लोग कह रहे हैं कि भाई सब खुला है, कोई बंदिशें नहीं है। आप गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आज़ाद हूँ, 3 साल के बाद जमात पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप तो क्यों रोक रहे हैं? आपने तो बाज़ाब्ता यह ऐलान किया है कि मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, और मीरवाइज आए जामे मस्जिद नमाज पढ़े, कम से कम नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदिशें क्यों हैं, रुकावटें क्यों हैं? इसका सिक्योरिटी रिव्यू हो रहा है सर, अगले सिक्योरिटी रिव्यू तो ठीक है। देखिए ना, मैं 3 साल से बंद हूँ, और एट द हाइस्ट लेवल गवर्नर साहब ने यह बयान दिया है कि उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जामे मस्जिद जा सकते हैं, वो जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो नमाज पढ़ सकते हैं। 3 साल का अर्सा हो गया है, छोटा अर्सा नहीं है। नहीं, आप उनसे अपने सीनियर से बात करें, उनको बताएं कि भाई हम जाना चाहते हैं, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आज हमने कहा है कि हम निकलेंगे, हम लोगों से बात, 3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मनसब खाली है, जामा मस्जिद का मेम्बर मेहराब आप लोगों ने खामोश कर दिया है। नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है आपकी, तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? आप लोगों के तो बयान आया है। देखिए, आप तीन साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए, जो बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कौन सा कह मैं कह रहा हूँ कि मुझे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दें, और मैं और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामे मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि भाई जो हमारे लोग दाएँ बाएँ उनके हैं, वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट कर रहे, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए, हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हज़ारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है एक शहरी के हवाले से, मेरे शहरी हकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्व कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट्स सल्व कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत ज्यादती है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते, नहीं कम से कम बाहर आप क्यों अथॉरिटी से बात, आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों का तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं हम जो है उस बयान के तनाजुर में, जो बयान हाईएस्ट लेवल आया है, ये किसी पुलिस का बयान नहीं है, ये किसी जो है वो ब्यूरोक्रेट का बयान नहीं है, गवर्नर साहब ने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही है। देखिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आवाम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, आज हमने प्रोग्राम दिया है कि आज मीरवाइज़ साहब जाएंगे, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ दुआ करेंगे, क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम मेरा मनसब है, कम से कम उससे तो नहीं रोकी आप लोग, आप क्यों हमें रोक रहे हैं? और आप तो बयान देखिए एट द हाइस्ट लेवल आप लोगों का बयान आया है, कम से कम ये तो बहुत ज़्यादती है। हम तो ये तो हमारे शहर, ये तो बिल्कुल हम ये हमारा बुनियादी हकूक है, एक तो हमारे ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, और मेरे मजहबी राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। 3 साल से मैं अपने घर में नज़रबंद हूँ, महदूद कर दिया गया हूँ, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, कोई मुझसे नहीं मिल पाता है, मेरे जो मेरे करीब लोग हैं, जो हमारे जो उन तक नहीं पहुँच रहा हूँ। पिछली बार भी आपने देखा, मेरी नानी का इंतकाल हो गया, उस वक्त भी आपने मुझे मज़ार नहीं जाने दिया, मेरे चाचा गुजर गए, उस वक्त भी जो है मैं आधे घंटे के लिए आपने मुझे सिर्फ वहाँ से आने दिया और फिर से बंद कर दिया, मैं उस मज़ार पे नहीं जा पाया हूँ, फातिहा नहीं पढ़ी पाया मैंने बुजुर्ग, इतने सारे साथी हमारे गुजर गए इन 3 सालों में। तो अगर मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मुझ पर ये बंदिशें क्यों लाई जाती हैं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जाने दें, आप हमें कम से कम नहीं रोकें। देखिए मैं कोई देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई धक्का धक्का नहीं चाहते, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे इंसानी हकूक क्यों सल्व किए जा रहे हैं।
आप काइंडली अपने अपने सीनियर से बात कीजिए, उनको कहिए कि मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे जाने दें, क्योंकि आज हमने कहा है कि लोग आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे कम से कम जाने दें। आप तो कहते हैं कि भाई सब खुश हैं यहाँ पे, हालात बड़े बेहतर हैं, लोग बड़े खुश हैं, तो लोग खुश हैं तो हमें भी जाने दीजिए, हम भी लोगों की खुशी में शामिल हो जाएंगे। हम पे बंदिश क्यों हैं, हम पे ये जो है ये कदमें क्यों हैं? इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि नवत्रेष्ट होता था त्रय तो है क्या जो हम रुक गए क्या जो तो क्या जो आप करें बात प्लीज आप करियो पन आप पन आप सर से पन आप बात कीजिए आप प्लीज बात कीजिए मतलब तेल क्या बस दो सिक्योरिटी ना तू चुप नहीं नहीं मुझे जवाब दीजिए अरे एक मिनट आप जवाब मुझे जवाब दीजिए क्या मैं आजाद शहरी नहीं हूं? हां सर मुझे इजाजत नहीं है बाहर जाने की, है कि नहीं है? बस इशू है तो जाएं सिक्योरिटी नहीं चल रहा है नहीं आप अगर है तो मुझे लिख के दीजिए आप लिखे दे दें मुझे कि नहीं जी आपको इजाजत नहीं है हम आपको यहां बाहर नहीं दे दीजिए लिखित मैं भी कोई डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा अदालत में जाऊंगा लोगों के पास जाऊंगा क्योंकि आप देखिए ना ये तो आप दो बातें कह रहे हैं ऐलान कर रहे हैं मीडिया में टीवी पे इवन पार्लियामेंट में भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि कश्मीर में कोई नजरबंद नहीं है। अब 3 साल हो गए मुझे यहाँ से, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी ये बयान मीडिया में दिया कि मीरवाइज साहब खुले हैं, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो खुद डिसाइड करें वो क्या करना चाहते हैं। मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, अपने आवाम से मिलना चाहता हूँ। कम से कम ये तो बहुत ज्यादा आप लोगों की, यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं जी आप खुले हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि आप बंद हैं। गवर्नर साहब के ही बयान के तनाव में आप हमें जान बहुत जाती है, आप लोगों की बहुत जाती है, बहुत जाती है। ठीक है, फिर करीब रिवर्स बैठे।